इनकी भी कदर हो जाएगी दोबारा से। जी देख रहा हूँ आज का युवा इनसे दूर होता जा रहा है और इनकी भी दुर्गति हो रही है। अपने पूर्वजों ने भी तो इसी से कमाया था, भारत देश सोने की चिड़िया इसी से बना, हीरा और मोती। अच्छा ये हीरा है और वो मोती है। इसे 2 लाख रुपए बचा लेता हूँ जिताई जिताई के बेलों। इनमें भी आत्मा होती है भाई साहब, ये नहीं कि हर रोज किसी और के घर जा रहे हैं। आप इनको छोड़ दो खुला खेत में काम करके, अपने ही घर जाएंगे जी, किसी के नहीं जाएंगे। लोगों देख के अंदाजा लगा सकते हैं अत्याचार वाले ऐसे होते हैं क्या बैल जी। एक 20 किलो दूध की भैंस होती है उससे ज्यादा खर्चा होता है इनका। ये हमारे खाने से पहले इनका खाना होता है, बाद में हमारा होता है। अत्याचार कैसे हुआ भाई साहब? सभी किसान साथियों को, सभी पशुपालक साथियों को राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता। आज है जी गाँव मोहबूतपुर, तहसील आदमपुर, जिला हिसार। भाई हैं ईश्वर नैन, भाई साहब के पास बैल हैं हरियाणा नस्ल के, बहुत ही अच्छे बैल हैं। महेंद्रगढ़ जो 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी थी वहाँ पे इन बैलों ने जो है सेकंड स्थान, दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया था। ईश्वर भाई साहब से बात करते हैं। ईश्वर भाई राम राम। राम राम सारे आपके चैनल देखने वाले सब बहन भाइयों को मेरा जोड़ कर सादर प्रणाम। भाई साहब ये जो बैल अपने, कितनी जो इनको उम्र हो गई है? इनकी 3.5 साल से ऊपर ही होगी, थोड़ी बहुत 3.5 साल से ऊपर ही होगी। ठीक है। और ये घर के हैं अपने या फिर मोल लेकर आए थे? लेके आया था मैं इनको छोटों को ही। अच्छा, छोटे बछड़े रजब लेकर के आए थे। ठीक है। अभी कितने दिन से अपने पास ये? तकरीबन 1.5 साल से है। 1.5 साल से है। ठीक है। और महेंद्रगढ़ मेले में दूसरा स्थान प्राप्त किया उन्होंने? हाँ भाई साहब बिल्कुल, दूसरा स्थान प्राप्त किया। और वहाँ से मतलब कितनी जो है धनराशि आपको प्राप्त हुई दूसरे स्थान से? 31,000 रुपए मिले। 31,000। और भाई साहब अगर खेती की बात करें तो कितनी एकड़ खेती जाप करते हैं? मैं 20 एकड़ की खेती करता हूं। 20 एकड़ खेती सारी बैलों से करते हो? बैलों से करते हैं। ठीक है। आज भी आप, हमने देखा आप जो है बाने लग रहे थे, अभी जो है सुहागा मारने लग रहे थे भाई ईश्वर भाई। बहुत ही बढ़िया बैल आजकल तो साथियों ऐसे बैल देखने को नहीं मिलते हैं जो ईश्वर भाई हैं, जो ऐसे ईश्वर भाई जैसे लोग हैं, बहुत ही तारीफ के काबिल है ये। जो ऐसे अनमोल जो रत्न है, अनमोल धन है जिनको इन्होंने संभाला हुआ है। ईश्वर भाई क्या कहने चाहेंगे बैलों के बारे में और गौ माता के बारे में, जो आजकल ना तो ऐसे बैल मिलते हैं और ना ही अच्छे दूध की जो है गौ माता कहीं देखने को मिलती है? भाई साहब मैं तो सब युवा साथियों से कहना चाहूंगा, अगर आप इन बैलों से खेती करोगे तो इनका भी गुजारा अच्छा हो जाएगा। ये भी सड़कों पे नहीं घूमेंगे, बेसहारा नहीं होंगे, किसी भाई की लठ नहीं खाएंगे जी। इनकी भी कदर हो जाएगी दोबारा से जी। देख रहा हूँ आज का युवा इनसे दूर होता जा रहा है और इनकी भी दुर्गति हो रही है। हाँ ये भी सड़कों पर रुड़ते फिर रहे हैं बेचारे, बहुत घूम रहे हैं जी। और गौ माता की बात करें तो आजकल तो कोई हरियाणा नस्ल की गौ माता अच्छे दूध की तो रही नहीं रही, कोसों दूर देखने को मिलती है, नहीं मिलती। अपने पास है अभी कोई? एक बिल्कुल देसी गौ है घर पे। घर पे ठीक है। और ईश्वर भाई बैलों का नाम क्या क्या रख रखा है? हीरा और मोती। अच्छा ये हीरा है और वो मोती है। ठीक है। देखिए दोस्तों ये बैल वास्तव में ही हीरा और मोती हैं बिल्कुल आज के टाइम में, क्योंकि ये तो देखने को ही नहीं मिलते, बिल्कुल हीरा और मोती ही हैं ये। और ईश्वर भाई इनकम की बात करें तो कितना जो है साल में मुनाफा आप कमा लेते हैं बैलों से खेती करके? 1.5 से 2 लाख रुपए बचा लेता हूँ जुताई जुताई के बैलों से। जुताई जुताई के 1.5 से 2 लाख रुपए? ठीक है। और अलग अदर काम रह गया वो अलग, जैसे बाड़ी झाड़नी है, रोटी लेके जानी, ना कोई तेल का खर्चा है, कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है। और बैल भी देखिए साथियों बहुत ही शरीफ बैल हैं, इतने शरीफ बैल तो आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। और ईश्वर भाई आजकल लोग जो है गौ माता को बहुत समझने लग गए हैं। वो तो भाई साहब जैसे सोच होगी वैसे ही सोचेगा बंदा जी, बोझ वाली कोई बात नहीं है। आप उनको अच्छे से देखभाल करोगे तो आपको कमा के ही देंगे, कमा के देंगे। इन्हीं की आस होती है, ये आपके खेत में जुताई करके किसी और के घर नहीं जाते, इनको भी पता है तुम्हें कहाँ खाने को मिलेगा, तुम्हारा कौन सा घर है। इनमें भी आत्मा होती है भाई साहब, ये नहीं ये हर रोज किसी और के घर जा रहे हैं। आप इनको छोड़ दो खुला खेत में काम करके, अपने ही घर जाएंगे जी, किसी के नहीं जाएंगे जी। बैल तो वैसे ही बहुत ज्यादा वफादार होता है। अगर बात करें गौ माता की, लोग तो खैर आजकल जो है बहुत समझने लग गए हैं, अगर गौ माता हम नहीं रखेंगे, गौ माता को नहीं पालेंगे तो फिर ये ऐसे बैल ये अनमोल रत्न कहाँ से आएंगे? वैसा मैं तो कह रहा हूँ गौ और फसल नहीं बचेगी तो देश पे, हाँ देश भी नहीं बचेगा। ईश्वर भाई आजकल लोग देखते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं, लोग कहते हैं भाई आप बैलों से खेती कर रहे हैं, आप इन पर अत्याचार कर रहे हैं, भाई साहब ये कहाँ तक सच्चाई है? जो जैसी सोच होती है वैसी बात करेगा। अत्याचार है तो देख लो, आप इन बैलों को देख के अंदाजा लगा सकते हो अत्याचार वाले ऐसे होते हैं क्या बैल जी। एक 20 किलो
दूध की भैंस होती है उससे ज्यादा खर्चा होता है इनका जी। अत्याचार कैसे हो गया आप देख लो इनका जी। शरीर से आप शरीर से देख लीजिए साफ सुथरे हैं बिल्कुल, कहीं मिट्टी नहीं लगी मिलेगी आपको बैलों के। ये हमारे खाने से पहले इनका खाना होता है बाद में हमारा होता है। अत्याचार कैसे हुआ भाई साहब जी? रोड पे छोड़ते हैं जब तक गाय दूध पिया जी। गाय बच्चे पे दूध देगी जी। वो गरज में रखते हैं ना अत्याचार तो तब तक उसकी जरूरत है। में तो वो अत्याचार है जी। उसको 10-11 महीने का होते ही अगले ब्यांत में गाय आई जी। उसके निकाल दी रस्सी अत्याचार तो वो है भाई साहब। मतलब ही दुनिया तो उस तरफ देखो ना आप। नहीं अत्याचार तो अपने पूर्वजों ने भी तो इसी से कमाया था। भारत देश सोने की चिड़िया इसी से बनाया था। पूरा जो भारत वर्ष का जो है पेट इन्हीं बैलों से खेती करके जो है किसान ने जो अपने बुजुर्ग थे उन्होंने भारतवर्ष का पेट इन्हीं बैलों से खेती कर करके पाला है। अत्याचार होता तो अगर इन्हीं से अत्याचार होता इन्हीं से खेती करने से दोष मिलता तो हमारे पूर्वज तो खत्म ही हो जाते। हमारा नंबर कहाँ था? हम तो आज होते ही ना इस देश में। और इसको जैसे सीजन में देते है भाई साहब कितना तकरीबन 15 किलो तेल और 15 किलो घी दे देते हैं साल में। हाँ नहीं सीजन के हिसाब से देते हैं। जैसे जब भी भाई बुझाई का काम होता है ज्यादा वर्क ज्यादा लोड होता है बैलों पर तब उस टाइम जो है इनकी खुराक भी जो अच्छी दी जाती है इनको घी वगैरह तेल वगैरह जो है देते हैं गुड़ मेथी सब गुड़ मेथी ठीक है। और ईश्वर भाई अपने बैलों की कोई कीमत लगी आज तक? मैंने बेचने के लिए कहा ही नहीं भाई साहब। अच्छा। काफी लोगों ने लगाए पैसे में नहीं बेच रहा ठीक है नॉट फॉर सेल है ठीक है बेचने नहीं। तो उसके बाद जो है पैसे तो और तरीके से भी कमा सकता है। इतना अच्छा पशुधन कहाँ से लाएंगे? नहीं मिलेगा। गिने चुने बच्चे है देश में। अभी आपने मेले में देखा होगा एक अलगपुरा से जोड़ी थी खंडा से एक पर हाँ सारी पांच सात जोड़ी भाई दोड़ा भाई 4-5 जोड़ियां थी बढ़िया बढ़िया आपने देखा होगा पूरे हरियाणा में 5-6 जोड़ियां बची है कहाँ से लाएंगे इतना अच्छा पशुधन। ठीक बात है। और ईश्वर भाई समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो गौ माता के लिए बैलों के बारे में चाहूंगा अगर इनसे खेती करोगे तो इनका भी जीवन अच्छा गुजरेगा आपका भी गुजरेगा और सबसे बड़ा पर्यावरण भी बचेगा। पर्यावरण बचेगा आपको पुण्य भी होगा तो पर्यावरण को भी बचाओगे। एक दो पेड़ भी लगाओगे इनके लिए छाया में रखने के लिए। देख सकते हो आप अभी ये छाया में खड़े ये भी ऑक्सीजन दे रहे हैं समाज को। जी जी बहुत कुछ बचा सकते हो। पर्यावरण भी बचेगा इनसे खेती करोगे तो। और जब गऊ घर में होगी ना वो रोग से मुक्त होगा वो। देखिए किसान साथियों अब बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। ईश्वर भाई के बैल कैसे लगे और भाई साहब के विचार कैसे लगे। सभी किसान साथियों को राम राम नमस्कार। जय जवान जय किसान जय गौ माता।